हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कस्टर्ड ब्रेड डेजर्ट। ये बहुत ही सिंपल और यमी डेजर्ट है, आइए इसे बनाना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 ग्लास दूध, यानी कि आधा लीटर दूध, और इसको मैं अब एक पैन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये आधा लीटर दूध हमारा कच्चा भी हो सकता है और आप उबाला हुआ दूध भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर दी है। अब हम बनाएंगे कस्टर्ड मिक्स। इसके लिए मैंने थोड़ा सा नॉर्मल दूध लिया एक कटोरी में, और ये है मेरे पास कस्टर्ड पाउडर। मैं इसमें 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी और इसको एक अच्छा सा मिक्स दे दूँगी। कस्टर्ड पाउडर को हम डायरेक्ट बॉइलिंग मिल्क में इसलिए नहीं ऐड करते, बिकॉज उसमें लम्ब्स वगैरह बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब ये नॉर्मल दूध में हम कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे कि कोई इसमें लम्ब्स ना रहे। अब यहाँ पे दूध को बॉयल आ गया है। अब इसमें मैंने चीनी ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने 6 चम्मच चीनी ऐड की है और इसको धीरे धीरे मिक्स कर लिया। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब टर्न है ये कस्टर्ड मिक्स को दूध में मिलाने की। मिलाने से पहले इसको एक बार हिला लेंगे और फिर धीरे धीरे हम इसको दूध के अंदर ऐड करके मिक्स करना शुरू करेंगे। एक ध्यान रखना, इसको एकदम से सारे मिक्सचर को दूध में ऐड मत कीजिएगा। इसको स्लोली स्लोली थोड़ा थोड़ा मिक्सचर इसको ऐड करते रहेंगे और इसको हिलाते रहेंगे। मेरी गैस की फ्लेम एकदम हाई है और इसको देखो बॉयल भी आ रहा है हल्का हल्का। इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे, जिससे कि इसके अंदर लम्ब्स ना बने। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी रखनी है, इसको ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं करना। अब मैं करती हूँ गैस ऑफ और 2 मिनट के लिए इस मिल्क कस्टर्ड को रेस्ट मोड पे छोड़ के अब मैं अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करूँगी अपनी ब्रेड कटिंग्स का। सो मैंने यहाँ पे लिए है वाइट ब्रेड और उसको काउंटर टॉप पे रख के इस ग्लास की हेल्प से सर्कल सर्कल राउंड राउंड शेप्स में कट कर लिया है। इसके लिए आपको किसी कुकी कटर की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप एक ग्लास की हेल्प से इन राउंड शेप्स को इजीली कट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे अपनी ऑलमोस्ट सारे ब्रेड्स को ऐसे सर्कल शेप्स में कट कर लिया है। नाउ अब हम चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट्स में सबसे पहले थोड़ा सा कस्टर्ड डाला है। कस्टर्ड बिल्कुल गर्म ही है, सिर्फ 2 मिनट का ही टाइम मैंने इसको दिया था रेस्ट के लिए। गरम गरम कस्टर्ड डालने के बाद इसके ऊपर मैंने रखा एक ब्रेड स्लाइस और उसके ऊपर फिर से मैंने एक लेयर कस्टर्ड की डाली। नाउ अगेन मैंने इसके ऊपर एक ब्रेड स्लाइस रखा और कस्टर्ड की लेयर स्प्रेड कर दी। ऐसे ऐसे मैंने इसकी 3 लेयर्स बनाई हैं, जैसे कि ब्रेड रखा, फिर उसके ऊपर फिर से कस्टर्ड की लेयर स्प्रेड कर दी। कस्टर्ड बिल्कुल गर्म होगा तो ये ब्रेड के अंदर अच्छे से सोख हो जाएगा और ब्रेड बिल्कुल भी ड्राई टेस्ट नहीं करेगी। अब यहाँ पे मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़े से नट्स कट करे हैं। इसको ऊपर से अच्छे से स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे कि इसका लुक थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। नेक्स्ट अगेन मैंने सेम प्लेटिंग करी है, वैसी ही थोड़ा सा कस्टर्ड नीचे रखा, फिर उसके ऊपर फिर से ब्रेड स्लाइस रख के कस्टर्ड स्प्रेड किया। अगर आपकी ब्रेड फ्रेश है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपकी ब्रेड 2 दिन पुरानी है तो ऐसे कट करने के बाद हल्का सा वाटर इस पर स्प्रिंकल कर लेना, उससे वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। अदरवाइज़ इसके लिए अगर आप बिल्कुल फ्रेश ब्रेड लेंगे वही बेस्ट है। और प्लीज़ 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 कस्टर्ड गर्म ही होना चाहिए, तभी ये ब्रेड के अंदर सोक होगा और इसका टेस्ट बहुत ही यम आएगा। अब इस प्लेट की भी मेरी गार्निशिंग हो गई है। सो देखा आपने कितने ही इजी और सिंपल स्टेप्स हैं इस डेज़र्ट के। सो मेरे कहने पे आप ये डेज़र्ट को एक बार ज़रूर ट्राई करना। आपको गेस्ट कोई आ गए हैं, आपको बच्चों के लिए अगर इंस्टेंट कोई डेज़र्ट या कुछ मीठा प्रिपेयर करना है, इसमें 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगते हैं और ये बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है। और ये एक बार आप बनाएंगे और ये बच्चों की देखना बिल्कुल फेवरेट हो जाएगी। अब ये लास्ट प्लेट मैं बच्चों के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर कर रही हूँ। इसके स्टेप्स बिल्कुल सेम है ऑलमोस्ट, बस इसकी गार्निशिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, बिकॉज बच्चों को थोड़ा चॉकलेट वगैरह पसंद होती है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चॉकलेट ग्रेट करके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी है। और यहाँ पर मेरे पास थोड़े से स्प्रिंकलर्स पड़े थे,
तो थोड़ा इसको अट्रैक्टिव लुक देने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़े से स्प्रिंकलर स्प्रेड कर दिए हैं। नाउ हमारी ये तीनों प्लेट्स तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इसको एक घंटा फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद ये डेज़र्ट हमारा खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। सो ये डेज़र्ट आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये कैसा लगा। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।